पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। 5 मार्च से हरियाणा का विधानसभा सेशन शुरू होने जा रहा है। बजट सेशन है, काफी महत्वपूर्ण सेशन है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। गुप्ता जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गुप्ता जी, बजट सेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र 5 मार्च से प्रस्तावित किया गया है और महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा इस बारे में जो भी अध्यादेश या अधिसूचना जारी होगी उसके पश्चात हम अपना बजट सत्र यहाँ पर करने जा रहे हैं और तैयारियों की दृष्टि से हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे वो हमें इस कोविड को लेकर के, अभी क्योंकि पूरी तरह कोविड की प्रकोप है वो गया नहीं है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी हम करने के लिए तैयार हैं और अदरवाइज आल्सो के भी जो जैसे आम तौर पर सेशन होता था विधानसभा के अंदर, हम दोनों प्रकार की तैयारी रखे हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कोविड की प्रिकॉशंस वो इस सत्र के अंदर हम जरूर रखेंगे। गुप्ता जी, अगर देखा जाए प्रेस गैलरी, क्योंकि कोविड के चक्कर में ही पहले हरियाणा निवास बनती आई, वो क्या इस बार यहीं बनेगी या हरियाणा निवास? नहीं, मेरा तो ये प्रयास है कि प्रेस मीडिया जो है वो सदन में रहे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोविड का ये जो प्रकोप है इसके कारण या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई हम सत्र सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना पड़ेगा, तो फिर जैसे पिछली बार सत्र था उसी प्रकार से मीडिया का हम अरेंजमेंट करेंगे। क्या इस बार जो है कोविड को लेकर विधायकों की टेस्टिंग या जो स्टाफ है उनकी टेस्टिंग वगैरह का कोई प्रावधान रखा गया है? नहीं, अभी देखिए इस प्रकार की कोई टेस्टिंग जो आमतौर पर होती है वो तो हम करते ही हैं, वैसे भी करते हैं, हम डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर के है वो अभी उसकी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी उस समय हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें करना है। इसके अलावा COVID-19 की जो व्यवस्था जैसे पहले रहती रही है, लगभग वैसी व्यवस्था देखने को मिल सकती है? बिल्कुल वैसी व्यवस्था देखने को, अभी तक तो हमारी तैयारी उसी प्रकार से है। अगर कोविड का प्रकोप कम होता है तो फिर हम जो जैसे पहले आम जो सत्र होता था उसके ऊपर विचार करेंगे। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, उनका दावा है कि सरकार अल्पमत में, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या आपको इस बारे में अभी तक कोई लिखित जानकारी दी है उन्होंने? देखिए, एक उनका जो गैर सरकारी प्रस्ताव है उनकी तरफ से आया है, उसके ऊपर अभी विचार कर रहे हैं कि नियमानुसार होगा तो उसके ऊपर हम जरूर इसके अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कराएंगे। वह कृषि कानूनों को लेकर ये लाना चाहते हैं और कृषि कानून क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है, राज्यसभा और लोकसभा का, तो क्या टेक्निकल तौर पर उसकी सक्षमता यहाँ बनेगी? नहीं, देखिए एक अविश्वास प्रस्ताव एक और बात है और कानूनों पर चर्चा और बात है, लेकिन पिछली बार भी हमने विधानसभा के अंदर इन कानूनों के ऊपर जो 3 कानून हैं उसके ऊपर कानूनों की चर्चा के लिए कांग्रेस के सदस्यों से निवेदन किया था, लेकिन वो केवल वोटिंग चाहते थे और उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया, लेकिन अब की बार भी अगर वो चर्चा करना चाहेंगे तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे। धन्यवाद ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये हैं स्पीकर हरियाणा विधानसभा, इनका कहना है कि पूरी तरह से तैयारियां और COVID-19 की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।